वेलकम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 36 इंग्लिश क्लास 10। इट्स अबाउट, देखिए आपको पिक्चर कौन सी नजर आ रही है, गांधी जी की नजर आ रही है। तो इन्होंने कुछ बात बोली है, हमने अपनी किताबों में ये देखा है, गांधी जी टैलिस्मैन यानी कि गांधी जी का मंत्र आपने सुना होगा। आई विल गिव यू अ टैलिस्मैन, मतलब मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। ये गांधी जी बोलते हैं कि जब आपको कभी भी डाउट हो कि when the self become too much, मतलब आपको अपने पे डाउट है या आपको लग रहा है कोई ऐसी बात है, परेशान है, तो recall the face of poorest, the poorest यानी गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर व्यक्ति को याद कीजिए जिसको आपने कभी देखा होगा। and ask yourself if the step you contemplate is going to be, यानी जो आप कदम उठाने जा रहे हैं, क्या जो भी आप काम करने जा रहे हैं क्या ये उसके लिए हेल्पफुल है, उसका किसी काम आएगा। यानी आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, गांधी जी कहते हैं कि अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप सोचिए, या कोई आपको डाउट है आपके मन में तो क्या आप जो करने जा रहे हैं क्या उसका किया हुआ, आपका किया हुआ उस बंदे के लिए, उस पुरुष से और विकस से विकस मैन के लिए कुछ भी काम आएगा। विल ही गेन एनीथिंग बाय इट, क्या उसको इससे कुछ फायदा होगा। Will it restore him to a control over his own life? क्या इससे उसकी लाइफ अच्छी हो पाएगी, क्या उसका भाग्य कुछ चेंज हो पाएगा। In other words, will it lead to स्वराज, क्या हंगर के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, जो भूखे लोग इतने लोग मर रहे हैं, लाखों लोग, मिलियंस ऑफ लोग, क्या उनके लिए कुछ हेल्प हो पाएगी। ये गांधी जी ने उस टाइम पे कहा था और ये पेजेस हम सबकी बुक्स में, आप लोग बुक में देखेंगे, टेक्स्ट बुक में आपको नजर आता है। इस पे आप लोग अगर ध्यान से देखें तो पढ़ें तो काफी गंभीर बातें, काफी सारी बातें बताई गई हैं कि जब आप ये सब बातें सोचेंगे तो नो डाउट आप खुद भी मेल्ट हो जाएंगे, यानी आपका दिल पसीज जाएगा। कितना भी कोई हार्ड से हार्ड इंसान हो, जब ये चीज सोचने लग जाएगा तो वो अपने आप सोचेगा कि हाँ मुझे अच्छा कुछ ऐसा करना चाहिए जो दूसरों के काम आए। तो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस टैलिस्मैन, आपने अपने बुक में देखा होगा, उसको पढ़ा भी होगा। एंड पिछले कुछ वर्कशीट में हम लीडरशिप के बारे में भी काफी कुछ पढ़ रहे हैं, जो बच्चे नए आ रहे हैं वो जरूर देखिए पीछे कि हमने क्या वर्कशीट में पढ़ा है। आप हमसे जुड़ रहे हैं तो पिछले वर्कशीट को देखेंगे तो आपको क्लियर भी होगा। नेल्सन मंडेला के बारे में भी हमने चैप्टर में पढ़ा था, एज ए लीडर बहुत ही अच्छा उन्होंने स्ट्रगल, मतलब उन्होंने अपनी कंट्री के लिए काफी स्ट्रगल किया, काफी साल तक जेल में भी रहे। एंड फाइनली क्या हुआ बताइए, जिन लोगों के लिए उन्होंने काम किया आखिरकार सबकी जीत हुई। और साउथ अफ्रीका में एक ऐसी सरकार है जो सबके लिए थे विदाउट एनी रेस, विदाउट एनी कलर, यही था ना, ये सब हमने पढ़ा था। आज क्या करना है, यू विटनेस द पुअर, आपने पुअर तो देखे होंगे, कोई ना कोई गरीब वीक इंसान, कमजोर इंसान, हंगरी पीपल अपने लोकेलिटी के पास, ऐसा है हम लोग देखते रहते हैं। तो हमें एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है 100 से 120 वर्ड्स में ही, कि क्या बनाना है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर सच पीपल, आप ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं अपने कंट्री के ऐसे लोगों के लिए जो पुअर हैं, जो वीक हैं, जो हंगरी हैं। इफ यू बिकम अ लीडर, अगर आप कोई लीडर बन जाते हैं, आप ये वर्ड ले सकते हैं, इनकी मदद ले सकते हैं कि व्हाट वुड, क्या लिखा है, व्हाट यू वुड डू, आप क्या करेंगे, पहली बात तो डालेंगे ना, ये डब्लूज इनको बोलते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है कि आप क्या करेंगे, और हु वुड हेल्प यू इन योर वर्क, और आपके काम में कौन कौन मदद करने वाला है। एंड व्हेन विल यू डू योर वर्क, आप इस काम को कब करेंगे, कहाँ करेंगे, इन बातों को लेते हुए हमें स्टार्ट करना है। और यही गांधी जी का सपना भी था स्वराज को लाने का, तभी तो हमारा देश आजाद हुआ था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ये छोटा सा पहला है, देखिए बच्चों बहुत बड़ा नहीं है, 10th क्लास के हिसाब से इतना होना चाहिए। इफ आई बिकम अ लीडर, ये है हमारी हेडिंग पैराग्राफ की। इफ आई बिकम अ लीडर, अगर मैं कोई लीडर बन जाऊं, आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन, सबसे पहले मैं याद करूंगी या याद करूंगा, मैं एज ए लीडर बोलूंगी कि सबसे जो पुअरेस्ट है, सबसे गरीब है, सबसे कमजोर जो वर्ग के लोग हैं, उनको मैं अपने दिमाग में लाऊंगी, जिनको मैंने कभी देखा होगा अपनी लाइफ में। देन आई वुड थिंक हाउ टू हेल्प द पुअर, मैं उनकी कैसे हेल्प करूं, एंड इन व्हाट वे, और किस प्रकार से। फॉर दिस आई वुड फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई, सबसे पहला स्टेप मेरा यही होगा कि मैं उन लोगों की पहचान करूं जिनको जरूरत है सबसे ज्यादा जरूरत है।
एंड व्हाट आर द वेज, और कौन से वेज है जिनसे उनकी हेल्प की जाए। आ रहा है ना व्हाट, व्हाई, ये सब क्वेश्चंस हमने ऊपर से उठाए हैं, उसको लिखा है, मेंशन करना जरूरी है बच्चे। आई वुड स्टार्ट वर्क फ्रॉम माय ओन सिटी, मैं अपने खुद की सिटी से इस काम को स्टार्ट करना चाहूंगी यानी करूंगी। एंड आस्क माय फ्रेंड्स, जो मेरे फ्रेंड होंगे, कलीग्स होंगे, या जो भी पार्टी, जो अगर लीडर बने तो हमारे साथी दोस्त होंगे ना, कि वो मुझे ज्वाइन करें इस नोबल डीड में। नोबल डीड क्या होता है बच्चों, महान कार्य, अच्छा कार्य है, इसमें मेरा साथ दें। तो अब प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द प्लान, प्लान बनाएंगे ना कि हमें क्या करना है, क्या ऐसे ही कुछ भी, तो हम प्लान बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे हमारे काम के, क्या उद्देश्य है, हम क्यों कर रहे हैं काम, कौन सा काम करने जा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, सो दैट वी मे हेल्प द पुरेस्ट, पुरेस्ट आएगा यहाँ पे, द ये टाइपिंग मिस्टेक होती है कई बार, वी मे हेल्प द पुरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन, ताकि हम जो गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर लोगों की हम मदद कर पाए। वी विल मेक अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट नेसेसरी थिंग, हम जो है लिस्ट बनाएंगे जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं जो लोगों को चाहिए। क्या होता है बच्चों, तीन चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान। मकान नहीं दे सकते तो रोटी और कपड़ा तो दिया ही जा सकता है, इसके अलावा दवाइयां वगैरह हैं, पानी की सुविधा, ये सब सैनिटाइजेशन, ये सब की सुविधा होनी चाहिए ना, और आज के टाइम पे तो काफी जरूरी है। बेचारे अगर जिनको जॉब भी नहीं है, काम भी नहीं है उनके पास, भूखे रह रहे, तो ये तो बहुत जरूरी है कि हमें एकजुट होकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। एंड मेक डोनेशन, हम एक डोनेशन कैंप बना लेंगे अगर हो सकता है तो, ताकि डोनेशन कलेक्ट हो जाए। अब डोनेशन जरूरी तो नहीं है कि वो इसी फॉर्म में हो, पैसे ही मिले। वी विल गो डोर टू डोर, हम दरवाजे मतलब हर घर जाएंगे, वहां से डोनेशन अगर मनी मिलता है तो पैसे के रूप में लेंगे। कपड़े कोई देना चाहता है, कोई खाना देना चाहता है, फूड आइटम्स, या कोई कुछ और चीज भी देना चाहता है, तो वो सब इकट्ठा करेंगे। देन वी विल मेक द लिस्ट ऑफ द नीडी पीपल, जब हमने ये सब इकट्ठा कर लिया, प्लानिंग चल रही है, तो हम नीडेड पीपल की भी लिस्ट बनाएंगे कि अब कौन कौन से हमारे आसपास जरूरतमंद लोग हैं, सबसे गरीब तबके के लोग, सबसे ज्यादा जरूरत तबके के लोग जिनको चाहिए ये सब चीजें, उनकी लिस्ट हम बनाएंगे। एंड गो डोर टू डोर, अब उनके डोर टू डोर जाएंगे, यानी पहले हम डोनेशन के लिए गए थे, अब उन लोगों के घर जाएंगे जिनको हमारी हेल्प की जरूरत है। वी विल आस्क, वी विल ऑल्सो मेक अ टीम, इसके लिए हम टीम बनाएंगे ना, बच्चों की भी टीम बनाएंगे, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए टीम बनाएंगे। ये तो टीम हो गई उनकी हेल्प करने के लिए, इसके अलावा देखिए बच्चों के लिए भी हम टीम बनाएंगे, ताकि वो हम उनको एजुकेट कर पाए। एजुकेट मतलब कि उनके घर जाके ही होता नहीं, इलाके में जाके हम एजुकेट कर सकते हैं, उनको अवेयर कराएं, एजुकेशन की वैल्यू उनको बताई जाए, और अगर पॉसिबल हो सके तो उनका नियर बाय स्कूल में एडमिशन भी करा देंगे। तो देखिए ये बहुत बड़ी हेल्प होती है, अगर आप इतनी हेल्प हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प है जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वी विल मेक अ टीम, एक टीम और बनाएंगे जो मेडिकल फैसिलिटी किसी तरह से दे पाए, कि मतलब जितना मेडिकल सुविधा हो सके आसपास से, गवर्नमेंट से या जैसे भी है, बहुत लोग होते हैं डोनेशन वाले जो डोनेशन करते हैं, तो उसके बेस पर हम मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हैं। इस प्रकार से वी विल ट्राई अवर बेस्ट, हम जो है अपना बेस्ट ट्राई करेंगे टू हेल्प द नीडेड पर्सन, जो भी नीडेड पर्सन है, और ट्राई टू मिनिमाइज देयर प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश करेंगे। खत्म तो नहीं होती है प्रॉब्लम, बट मिनिमाइज क्या होता है, कम करना, यानी कि प्रॉब्लम्स को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। एंड आल्सो विल मेक अ प्लेटफॉर्म, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे उनके लिए, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट यानी काम मिल पाए, रोजगार की उपलब्धियां होते ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको मिल पाए, सो दैट दे मे लिव, लिव आ गए यहाँ पे LIVE, दे मे लिव सेटिस्फेक्ट्री लाइफ। लिव और लीव में अंतर होता है, लिव ये ना मतलब वो एक संतुष्टि वाले जीवन जी पाए, और उनको देखिए अगर 100 बंदे भी, अगर 10 को भी नौकरी हमने दिला दी तो 10 की लाइफ तो सही हो गई ना। तो ये मेरा प्लान है अगर मैं कोई लीडर बन जाऊं तो। इस तरह से आप लोग भी इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ये हमने एक डेमो दिया है आपके लिए, आप चाहे तो इसमें कुछ और अपने आइडियाज डाल सकते हैं। आप एक लाइन में कमेंट कीजिएगा कि अगर आप लीडर बन जाएं तो सिर्फ आप बताइए कि आप क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए। आपके कमेंट का, इस कमेंट का मुझे जरूर इंतजार रहेगा, क्योंकि ये कमेंट ह्यूमन मैनकाइंड के लिए है। तो आप जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, टेक केयर, बाय बाय।